बागेश्वर धाम के जितने पागल हैं, हाँ हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के बहुत भाग्यशाली गुरु हैं जिनके लाखों बागेश्वर धाम से जुड़े हुए परिवार हैं। लाखों नहीं अब तो करोड़ों, और केवल भारत के ही नहीं, अब तो आगे को लगे हाउ डू यू हाउ आर यू वालों के भी है। हाँ अभी तो हम लंदन जाकर के आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स ऑल ऑफ पीपल्स। हाँ अब तो हम अंग्रेजी भी भयंकर सीख आए हैं, अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेगी अगर जिंदा होगी तो, अगर वो सुनेगी। हमारा तो ठिकाना ही नहीं कब सी लग जाए कब ही लग जाए, अंग्रेजी को स्वयं सेट करना पड़ता है कि सी लगूं या ही। हमारी तो ऊंची वाले लेवल की है, पड़ी है ही नहीं है। वहां पर अंग्रेज हमसे बोले कि आप अंग्रेजी सीखिए, कुछ लोग हमसे बोले आप अंग्रेजी सीखिए, हमने कहा तुम हिंदी सीखो, हम सीखना थोड़ी आए। हम अगर अंग्रेजी सीख गए तो तुम्हारे रास्ते में ना ढल गए, तुम सीखो ठठरी के बरे हरो। और जिस पार्लियामेंट में संसद में प्रवेश करने की ताकत चाहिए रहती, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। बागेश्वर बालाजी की कृपा ना होती तो क्या लंदन के पार्लियामेंट में जय श्री राम हो जाता? कोई अक्षणी फक्षणी का साधक ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ हनुमान जी ऐसा करवा सकते हैं। और जिस पार्लियामेंट में प्रवेश मुश्किल था वहां की संसद में भी गए, उन्होंने कहा कि केवल आप 2.5 मिनट बोलेंगे, हमने कहा हम 4.5 मिनट बोलेंगे, अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हम फेल। तो उन्होंने कहा 2.5 मिनट, हम 4.5 बार बोले, और जिस संसद में बोलना मुश्किल वहां हमने 9 बार जय श्री राम बुलवाया, और 2 बार ठठरी बारी, और ठठरी भी ऐसी बारी के ठठरी वाली जोन गारी हती बा मोड़ धर के छोड़ पर के पांव पर ही उन्हें हमारे बुंदेली में एक लोग आई सी बन के प्रकट भाई, हम कही जा कौन आए। हमने जब 2 बेर ठठरी बार दई बैठ गए, अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आते तो ऐसी अंग्रेजी बोले मूड पे ओकर जाए, हम कही लगे रहो हमें काबले ना देना, हम तो जो भर देखे रहते, जब सब हंसते सो हम भी हंसते, हम तो मोह तरफ देखे रहते कि आदमी कबे हंसे, ताकि इन्हें जो ना लगे कि जी मुंह रखा है, जहाँ सबरे हंसे सो अपन औरत का रहो हा 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 में गाओ। और सबरे होते एक और आदत थी, हंसे सो तो ठीक, एक और होते कला सीखने आती, ओ जैसे ही सबने कही कौन बात भी अंग्रेजी में बोल देते सो ओ, तो हम भी ओ सभा लगत तो कि जो भी पढ़ो लिखो हुआ है। हाँ तो हम तो चेक करें नहीं थे, एक दो मोह हम फिक्स करें नहीं थे कि हंसत कौन है, उनने मुस्कीनी मारी हम पहले ही दांत निकाल देते, एक कदम एक्स्ट्रा पार में फैल थोड़ी हो सकत, बुंदेलखंडी आदमी 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, आहो आहो 100 दंडी एक बुंदेलखंडी का फैल थोड़ी हो। सो हमने बुंदेलखंडी में होते संसद में 2 बेर ठठरी बारी। अब सुनो बा पूरी बात, उठ गई है फिर मीरा चरित सुनाई। सो का भाव ठठरी बारी, सो ठठरी एक लुगाई बन के आई, बढ़िया हरीरी साड़ी पहरे, उनसे बूढ़ी सी खाल लटक गई। हमने कही हुआ रही सुबह, बोली महाराज हिंदी बोलो बुंदेलखंडी। हाँ देखो हम अपने मन को बताए जब कौन कथा न हो, हम आई मन ही मन में चलत रहा चर्चा है, सो बताई एक दो लोगों ने हमने बताई भी है पत्रकार। सो हमने कही हु आर यू, अरे बोले हु आर यू छोड़ो महाराज, मैं बुंदेलखंडी मैं ठठरी आऊँ। अरे हम कही रड़वाल ते कहाँ फिर रही थे। हाओ सो आओ, आओ, हमें वो के आई सो हमने ऐसी कहा कर लड़वाल कहाँ फिर रही। सो बोली महाराज तुम्हारी जय होए। हम कह जय काय होए, बोले मैं ठठरी आऊँ। सो उन्हें मुड़ छोड़ धर के पाँव पड़े, बुंदेलखंडी में प्रणाम करने की जो माताओं की प्रथा है वो छोड़ रख कर प्रणाम कर, सो उन्हें छोड़ धर के पाँव पड़े। हम कह खुशी रहो सदा सुहागन रहो। बोली सुहागन का रहो, अरे हम कही आखिर बता तो कैसी है भाई। अरे बोली महाराज तुम्हारी जय होए। हम कही कहे, बोले जौन हमारे नाव के लाने
मोए बुंदेलखंड से बाहर नहीं निकल पाऊं ने तो दूसरे प्रदेश में। धन्य है तुम्हारी लीला, तुम्हारे चक्कर में मैं लंदन में पार्लियामेंट में लो घुसे आई। सो हमने कहा आई का यहां तो बाप ही होते जाके अंग्रेजी सीख गई। सो बोली थैंक यू। आहो अब हमारे मन की बात है, ऐसी मन में बात भाई। तो धन्य है ये हनुमान जी की कृपा, जिस संसद में जाने को आदमी तरसते हैं वहां पर हम गए नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन अवार्ड हिंदुस्तानियों को लेकर आए। पहला अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, दूसरा अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 22 देशों का यूरोप, और तीसरा अवार्ड मिला संत शिरोमणि ऑफ इंडियन बागेश्वर धाम सरकार। वहां पर केवल भारतीयों से जय श्री राम नहीं बुलवाया, वहां के एक एमपी सांसद पार्लियामेंट के जो सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन, जिनका नाम था बॉब ब्लैकमैन, हिंदी में काला भाई, भाई ब्लैकमैन का मतलब क्या काला भाई, तो बॉब ब्लैकमैन वहां के, अगर वे सुनत हुई है हिंदी तो उन्हें सीधो केस कर लेने हैं कि बागेश्वर महाराज तो जाने के बाद हमारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझ में आओ, हम होते अंग्रेजन की बड़ी मजा लेती है, सुनो तो का लेते, जैसे बाहर निकले अंग्रेज हमके छटरी के बड़े बोले या 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 या, अरे हम निकले आओ आओ, हमें तो अंग्रेज दिखाते तो मजा आते, उन्हें हमारी भाषा समझ में उन्हें लगे, अब आपस में भी दिस इज इंडियन सेंट, हमका या हमें तो समझ आ जाती, तन 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 समझ आ जाती, लेकिन उतनी नहीं आता, और हम तो अपनी भाषा में ठटरी के बारे ये या फिर रहे हाओ लाख छ सारो, तो बोले या गुड आओ 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 आओ, हम भी करें ये बढ़िया मजा है आओ आओ। सो वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बॉब ब्लैकमैन आए, जिन्होंने लंदन की संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, वो सांसद आए हमारे पास कथा में, और कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण भी दिया है, हाँ सम्मानित भी किया, और वो जब आए तो उन्होंने जब कथा सुनी तो उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए, और वहां की रानी यानी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर का लेवल होता राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री के ऊपर का लेवल है वहां की रानी का क्वीन एलिजाबेथ, वो तो नहीं आई, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो उनका नाम तो हम भूल गए, वो प्रतिनिधि वहां पर आए, और आए नहीं, उन्होंने जब अंग्रेजी में अपने संवाद शुरू किया, जब हमने उनको माइक दिया तो उन्होंने जय श्री राम भी बोला, और ये सनातनियों के लिए भारत वाले कान खोलकर सुन लो, कथा की महिमा देखकर और बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर उन्होंने अपनी टोपी नीचे रख दी थी, हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि हनुमान जी की पूंछ घूम गई, और जब उन्होंने माइक लिया तो अंग्रेजी में हमें पर लोगों ने अनुवाद करके बताया कि उन्होंने बोला कि अगर मुझे दोबारा किसी देश में रहने का मौका मिलेगा तो मैं भारत देश चुनूंगा, और उन्होंने पर अंत में कहा कि अगर आज मैं क्रिश्चियन ना होता तो उसने पता है क्या कहा, मुझे महाराज जी की भाषा तो समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन लगा कि कुछ ऐसा है जो अपना है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ सकारात्मक ऊर्जा है, अब बोले कभी अगर मैं आज क्रिश्चियन नहीं होता तो मैं सनातन धर्म वाला ही होता। ये वहां के क्वीन रानी के, वहां की जो महारानी है, महारानी के प्रतिनिधि ने ये बात की, ये सनातनियों के लिए गर्व का विषय, दूसरे धर्म के लोग कितनी बात कहते, हम प्रत्येक संतों को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना, हे भारत के संतों ब्राह्मणों गुरुओं भक्तों, अब जग जाओ और सब एक मंच पर एकजुट होकर के सनातन धर्म का ध्वजा आगे ले चलो। अब आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सनातन के संतो तुम एक दूसरे की बुराई मत करो, हमारी कर दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी संत कोई संत की बुराई ना करना हमारी प्रार्थना है। अब तो संतों और ब्राह्मणों आओ हमारे साथ और संतों के साथ मिलकर सनातन की अलख पूरे विश्व में जगाएं।
भोपाल में भी कितने भक्त हैं सनातन के, जरा हाथ उठाओ, कौन कौन सनातनी है? आज एक प्रण लेकर जाओ कथा से, 1.5-2 लाख जितने लोग हैं, 2 लाख भक्तों, कल पूरे भोपाल में तहलका हो जाना चाहिए। अपने घर के बाहर जय श्री राम लिख दो, और हर घर के बाहर बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय लिख दो, और कल कथा में इससे डबल आना, और सब तिलक लगा कर आना। कौन कौन ऐसा करेगा? ओ उठाइयो जोन राम के खानदान के हो, रावण के खानदान के हाथ ना उठाइयो।